फ्रेंड्स, ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकी जगत, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं हम लोग। अब यूं ही कोर्स चलता रहेगा और 11th के फिजिक्स को हम लोग देखते रहेंगे। ये जो भौतिकी वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये फिजिक्स की दुनिया क्या है और इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक इसका क्षेत्र है, इसके बारे में। अगर भौतिकी जगत से हम कहा जाए तो हम बोलते हैं कि ऐसा जगत, उसको, जिस जगत को हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही भौतिक जगत होता है। आइए हम लोग पहले साइंस के बारे में जानते हैं। ये साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान ये है कि प्रकृति में हम जिन चीजों को देखते हैं, उन चीजों का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है वो विज्ञान है। आइए इसको और हम लोग स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस का जो उद्भव है वो सिंटिया वर्ड, जो कि लेटिन वर्ड है, उसी से हुआ है। उसका अर्थ होता है जानना। जानना किसको? तो प्रकृति को, ठीक है। और यही जानने के बारे में बोले तो ये जो एक संस्कृत वर्ड है विज्ञान और अरबी वर्ड है इल्म, इन दोनों का अर्थ होता है ज्ञान। तो यही से हम लोग विज्ञान देखते हैं। देखिए, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, हम लोग जानते हैं। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज जो है वो विज्ञान होता है। अब सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब है कि जो प्रकृति के हम चारों तरफ अपने प्रकृति में देखते हैं उसको जानना। आपस में आकाश जो है वो ब्लू क्यों है, पत्ते का रंग ग्रीन क्यों होता है, पेन को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आता है, सारी घटनाओं को देख के पानी जो है वो पानी से वाष्प किस प्रकार से बनता है, पानी बहता कैसे है, इस सारे घटनाओं को हम देखते हैं। और घटनाओं को देखने के बाद, इस पर विचार करने के बाद, हम इसको टेबुलर फॉर्म में सजा के लिखते हैं कि ये जो है इवेंट इस कारण से हुआ है, और उस घटना के कारण का खोज करते हैं, और उसी काउज के आधार पे हम लोग नियम बनाते हैं। अच्छा, इस कारण से जो है इस प्रकार की इवेंट्स हुई हैं, और उस इवेंट्स के आधार पर जो नियम बनता है उसको फिर साइंटिफिक मेथड्स द्वारा चेक करते हैं, तभी वो लॉ नियम बन सकता है। तो देखिए, तो जो नियम प्रूफ हो जाता है, जैसे कि हम पेन को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिर रहा होता है, तो अगर पेन को ऊपर, तो कहां कहां पेन को ऊपर फेंकेंगे कि वह नीचे की ओर जो है वो, अगर आज फेंके या 5 साल के बाद फेंके तो भी पेन जो है नीचे की ओर गिर रहा होता है। इस इवेंट को देख करके हम जो है, हम लोग जो है इसको चेक किया, और इसके बाद इसके आधार पर जो लॉ बना उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ओके, तो ये साइंस है। अब एक चीज है और, कि साइंस और विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क होता है, विज्ञान और ज्ञान क्या होता है। देखिए, हम लोग प्रकृति के घटनाओं को देखते हैं या हमको जो बड़ों के द्वारा बोला जाता है, अगर उसको बोलने के बाद या जो नॉलेज, जो बात हम लोगों को समझ में आता है उसके बाद अगर उसको प्रूफ किया जाए और वो सभी जगह सत्य हो, जैसे कि आप यहाँ पे पानी को गर्म करो तो भी वाष्प बनने वाला है, या यूएसए में जाकर के गर्म करो तो भी वो वाष्प ही बनने वाला है, जैसे अगर किसी भी घटना या किसी भी घटना का प्रूफ नहीं हम दे सके, जैसे कि ठंडा पीने से प्यास बुझता है, अब इसमें सारा कुछ सही है, मगर अगर इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो या इसके आधार पर कोई नया नियम हम नहीं बना सकते हैं तो वो विज्ञान नहीं हुआ। जैसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, इसे कितना ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या सारा का है, इसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं, तो वो नॉलेज हुआ। और इसी नॉलेज के अंतर्गत अंधविश्वास भी आ जाता है कि वो हमको ये चीज कहने के लिए कहा तो हम कर रहे हैं, बल्कि उसका प्रूफ हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो यही होता है विज्ञान। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला प्रयास होता है विज्ञान। यही, इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए। और वही है कि जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना जो है वो विज्ञान होता है। देखिए, जब हम लोग, जैसे कि एक एग्जांपल और ले, कि पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पे वाष्प बनता है, ये हम समझे। अब कितना गर्म करेंगे तो पानी बॉयल करने लगेगा, समझे। अब उसी के आधार पे आप अगर कहीं, हम लोग एक लॉ जो है वो फॉर्म करते हैं और उसी के बेस पे हम अन्य चीजों को भी, अन्य जो पानी है उसको भी गर्म करने पर जो है हम एक
करते हैं कि 40 पे जो है ये हो जाएगा, 50 डिग्री पे इस टाइप का काम हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट अब साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस दो प्रकार का होता है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। देखिए विज्ञान में हम जब नेचर के अवधारणा के बारे में बात करें तो वो नेचुरल साइंस होता है, और जब सोसाइटी और ह्यूमन और उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो वो सोशल साइंस होता है। आइए हम लोग और स्पष्ट करते हैं, साइंस का दो पार्ट हुआ, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। देखिए यहाँ जो है कुछ हमको ने समझना है कि नेचुरल साइंस में हम लोग नेचर के बारे में बात करते हैं, उसी का जो है स्टडी करते हैं। नेचर में दो प्रकार की चीज होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो सोशल साइंस है इसमें ह्यूमन और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए नेचुरल साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, मगर सोशल साइंस में समाज में मानव और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब अगर छोटा सा पॉलिटी का हम एक एग्जांपल ले, डेमोक्रेसी का, तो ये डेमोक्रेसी अगर साइंस होता तो अगर ये साइंस का नियम होता, यह जो है वो एक जो है पॉलिटी का वर्ड है, अगर ये साइंस का नियम होता तो ये सारा जगह पे सेम ही होता। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी को हम इंडिया भारत में लागू करते या फिर यूएसए में लागू करते तो दोनों जगहों पे इसका इम्पैक्ट जो है सेम ही होगा। जबकि अगर ग्रेविटेशन को आप भारत में लागू करो या फिर यूएसए में लागू करो तो दोनों जगह पे इसका इम्पैक्ट जो है वो सेम ही होता है। तो अभी के परिवेश में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो है मतलब इंडिया आंशिक रूप से सफल है और जो है यूएसए पूर्ण रूप से सफल है, जबकि दोनों जगह डेमोक्रेसी ही है। तो सोशल साइंस में हम लोग अवधारणा पे बात करते हैं और इसमें नेचुरल साइंस में हम लोग सिद्धांत पे बात करते हैं। अवधारणा हर एक जगह पे सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि सिद्धांत जो है हर एक जगहों पर सही ही होगा, इसमें प्रूफ की गुंजाइश होती है। अब ये तो हम लोग अब पढ़ते हैं नेचुरल साइंस, वो जो है वो प्रकृति में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में जो है हम लोग बायोलॉजिकल साइंस स्टडी करते हैं और नॉन लिविंग का जो साइंस है उसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। देखिए नॉन लिविंग में दो प्रकार की चीजें होते हैं, एक आता है मैटर और एक आता है इनर्जी। मैटर यानी पदार्थ जो कि स्थान घेरता है और उसमें जो है जड़त्व का गुण पाया जाता है, यानी उसको धकेलने पे उसको मोशन, जब तक बाहरी फोर्स लगता है उसके बाद जो है वो मोशन में आ जाता है। तो चाहे पत्थर हो, मैन हो, एनिमल हो, सारा जो है इसी मैटर के अंतर्गत आता है। और हम लोग जो है इनर्जी, ऊर्जा। तो नॉन लिविंग जो है वो दो चीजें हुई और जो है लिविंग के अंतर्गत भी दो चीजें आती हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट का जो स्टडी हम लोग करते हैं बोटनी में और एनिमल का स्टडी करते हैं जूलॉजी में। और इसी देखिए, और ये नॉन लिविंग चीजों में जब हम केवल मैटर का स्टडी करते हैं तो वो करते हैं हम लोग जो है केमिस्ट्री में, और जो है मैटर और एनर्जी के इंटरप्रिटेशन का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। देखिए मैटर में जो है तीन प्रकार का हम लोग करते हैं, मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करते हैं, उसके रिएक्शन का स्टडी करते हैं, और उसका उपयोग जो है कहां कहां हो सकता है। तो अब थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये ग्रीक लैंग्वेज का जो शब्द है उससे उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ होता है प्रकृति। इसीलिए इसमें जो हम प्रकृति में जो भी मैटर है और उसका जो है एनर्जी के साथ इंटरप्रिटेशन, उसका स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें जो है हम जो है प्रकृति के जो मूलभूत नियम है, जो भी बेसिक्स लॉ है जो हम लोग देखते हैं, उसके आधार पे हम लोग नियम अपना फॉर्म कर लेते हैं, उसको साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा, साइंटिफिक मेथड द्वारा प्रूव भी करते हैं, उसके बाद ही वो जो है लॉ बन सकता है। तो हम लोग साइंटिफिक मेथड का अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्रकृति के मूलभूत नियम का अध्ययन और जो है विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उसकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी हम लोग कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। इसमें जो है मैटर के
बारे में स्टडी करते हैं, तो इसका उत्पत्ति जो है मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, उसका अर्थ होता है काला रंग। इसमें जो है हम लोग मैटर के संगठन, संरचना, गुणधर्म और अन्योन्य जो भी है प्रोसेस, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी, तो इसके अंतर्गत जो भी लिविंग विंग्स है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ये था विज्ञान, और नेक्स्ट में अगला जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर।